हेलो स्टूडेंट, आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीएसपीसीएल जेई का सिलेबस कि आखिर बीएसपीसीएल जेई में क्या क्या टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर नॉनटेक का वो कौन सा टॉपिक है, टेक्निकल पेपर का वो कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में वही डिस्कस करने वाले हैं। पिछले हमने वीडियो में बताया था कि बीएसपीसीएल के लिए हमने जो बैच अनाउंस किया था उसके बारे में जानकारी दिया था। आज हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताएंगे कि बीएसपीसीएल जेई में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव सेशन को ज्वाइन करो। मेरा मोबाइल जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए आप लोग। जल्द वैकेंसी आएगा, जल्द। पहले सिलेबस आज देख लीजिए, हमारे हाथ में रहता तो हम आज ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर देते। जल्द आएगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। तो आज मैं फिर से एक बार मैं बता दूं कि आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीएसपीसीएल जेई में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होता है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, नॉनटेक का कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो। फिर हम टेक्निकल पेपर की भी बात करेंगे कि टेक्निकल में जो ब्रांच पेपर है, जो मेन डिसिप्लिन है, उससे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन अराइज होता है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसपीसीएल, देखो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बीएसपीसीएल का फुल फॉर्म है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और मैं समझता हूँ कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए इससे बेहतर जॉब, जो डिप्लोमा होल्डर है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखे हैं, उनके लिए इससे बेहतर जॉब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर का फीलिंग आता है। एक अधिकारी वाला भी फीलिंग आता है छोटे लेवल का, क्योंकि सबस्टेशन का दरोगा होता है जेई, यूं कह ले कि सबस्टेशन का दरोगा होता है जेई, और काफी अच्छा फीलिंग आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो काफी अच्छा फील आता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जूनियर हैं, बहुत सारे दोस्त लोग भी जेई है, तो लोग बताता है जैसा मैं उसके अनुसार उसके बेस्ट पर मैं बता रहा हूं। तो देखो इधर पहले इलेक्ट्रिकल की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा भी डिसिप्लिन, हमारा भी आपका जो मेन कोर है वो भी इलेक्ट्रिकल है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होता है, 120 मिनट लिखा हुआ है, ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, समझ गए। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की बात कर लें, तो जनरल नॉलेज से टोटल 10 क्वेश्चन अराइज होता है। कितना? जनरल नॉलेज से टोटल 10 क्वेश्चन अराइज होता है। ध्यान दीजिएगा, जनरल नॉलेज से टोटल कितना? 10 क्वेश्चन अराइज होता है जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है, अब सब कुछ वाकिफ है, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, सबको मालूम है कि जनरल नॉलेज क्या होता है। फिर है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से भी आपको 10 क्वेश्चन अराइज किया जाता है। कितना? 10।
दस दस टोटल कितना हो गया 20। आपका जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए 5 क्वेश्चन। उसी तरह जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 10 20 10 30 हो गया, अब बचा 70 की बात है ना। तो कंप्यूटर देखो, देखो बड़ा चीज है। यहां मैं कंप्यूटर को थोड़ा अलग कलर से मार्क करूंगा। देखो इधर पहले जो कंप्यूटर है, देख लो इधर, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करने वाला है भाई, बड़ा रोल अदा करने वाला है कंप्यूटर, क्योंकि इससे क्वेश्चन की संख्या जो है 20 है। मतलब यूं कह लेना ये रिजल्ट डिसाइडिंग है, ये रिजल्ट डिसाइडिंग है, क्योंकि कंप्यूटर में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड वगैरह, नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह सब कुछ से क्वेश्चन एराइज होता है, वायरस हो, इंटरनेट हो, सब कुछ से क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट है, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है उससे भी क्वेश्चन रहते हैं, मतलब भरा पड़ा रहता है। 20 क्वेश्चन मायने रखता है भाई, मायने रखता है 20 क्वेश्चन। तो इधर देख लो कंप्यूटर से आपका कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो क्या हो गया ना, ये 50 क्लियर कर लिया, 50 50 50 ननटेक का खेला 50 है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हाँ इससे 50 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हो गया 100। मतलब यूं पहले देख लो, ये देखो ये बड़ा रोल अदा करने वाला है, देखो ये इसका बड़ा रोल रहने वाला है ये, क्योंकि 70 है। चूंकि आप जनरल नॉलेज में, लॉजिकल रीजनिंग में, जनरल हिंदी में लगभग लगभग सारे स्टूडेंट का नंबर सेम ही रहता है, क्योंकि इसमें भी 2-3 क्वेश्चन जो है तुक्का उक्का भी मार करके भी 1-2 सही हो जाता है, समझे। तो आपका क्या है, ये जो आपका 30 क्वेश्चन है, 10 10 20 और 10 30, 30 में से मोटा मोटी एवरेज बच्चों का जो नंबर होता है ना वो सब का सेम ही होता है। अब बात आती है इधर 70 का, इस 70 डिफरेंस करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिसका टेक्निकल ठीक है, नॉन टेक भी एवरेज ठीक ही रहता है, जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है तो इसमें कर लेगा, लेकिन 30 क्वेश्चन से क्या कर लोगे, 30 क्वेश्चन से रिजल्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर 30 में 30 से ही कर देगा, इधर एकदम खराब है, क्या रिजल्ट होगा, संभव नहीं है। इसलिए देख लो बाबू, पहले जनरल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या देख लो, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन। चलो हम लाइव चैट पहले देख लेता हूं तुम लोग का। हाँ, आईटीआई के बाद जो डिप्लोमा करता है वो भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। चलो अब आ जाओ, अब हम देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। देखो जनरल नॉलेज में क्या क्या है भाई, जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, देखो सुनो इधर पहले, जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या है ध्यान से देना। जनरल नॉलेज में पहला है करेंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो भी आपकी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करेंट में घटनाएं घटती है, या जो आपका क्या है, जो नियुक्तियां होती है किसी इंडस्ट्री के सीईओ में, या भारत सरकार में, या किसी इंटरनेशनल जो आपका जैसे यूएनओ वगैरह है उसमें जो भी नियुक्तियां वगैरह होता है उसके में नया नया चीजें, या जो खेल में कौन पदक जीता, चाहे आपका हॉकी हो, चाहे आपका टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, वही आपका है। फिर इंडियन हिस्ट्री है, देख लो ये सब के बारे में मैं क्या बताऊं, आप खुद हमसे ज्यादा जानते होंगे, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये जनरल नॉलेज में ना ये इसका इसका कवर जो होगा ना ये 5 क्वेश्चन के आसपास होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5, चूंकि आप एक इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, समझे, क्वेश्चन यहां से ज्यादा आएगा, 5 क्वेश्चन के आसपास कवर करेगा ये, मतलब 5 मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है,
इससे तो कम रहेगा नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पत्रिका खरीदते हैं आप लोग, पत्रिका खरीदिए, उसमें न्यू डेवलपमेंट न्यू रिसर्च के बारे में भी आता है, जो पीछे साइड दिया हुआ रहता है उससे एक कवर हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलो लॉजिकल रीजनिंग में देखो, एनालॉजी से सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछेगा, एनालॉजी सिमिलरिटीज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट स्पेस विजुअलाइजेशन अरिथमेटिकल नंबर सीरीज अरिथमेटिकल रीजनिंग और भी है, ये सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग से ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, जनरल इंग्लिश में देखो इधर पहले फाउंडेशन जेई का बैच चल रहा है, फाउंडेशन जेई का बैच जो है वो चल रहा है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी वो बैच ऑफलाइन में भी है ऑनलाइन में भी चल रहा है, फाउंडेशन का बैच ऑलरेडी चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, नेगेटिव मार्किंग लास्ट टाइम नहीं था, लास्ट टाइम जो था बीएसपीसीएल जेई के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है भाई, तुक्का मार दोगे, अरे भाई ज्यादा अपने फोकस करो एक्यूरेसी पर कि हम जो बनाएंगे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन सही होगा, ये नहीं कि तुक्का मार दिया कुछ नहीं जानता तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, गजब का बेहुदा आदमी है रे भाई, ये कहा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिजल्ट वह हो जाएगा, ये दिमाग में जो आता है ना यही तुम लोग को पिछड़ेपन का कारण है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है अंथाई रंग के चलाएं, नहीं, पढ़ो नॉलेज रखो कोशिश करो कि हम 75 प्लस 80 प्लस स्कोर करके आएंगे, उसमें एक्यूरेसी 90 मोर देन 95% एक्यूरेसी हमारी होगी, रिजल्ट होगा तुम्हारा, तो तुक्का के चक्कर में कह रहा था अटक्कर पचे ढेर सक। प्लीज बता दे सर एज लिमिट क्या होगा जनरल का, एज लिमिट 32 इयर्स, जनरल 32 इयर्स, नहीं 37 नहीं 32 इयर्स, आजकल तो बहुत कम कर दे रहा है, बहुत सारे एग्जाम में 28 कर दिया है, 28 जनरल का 28, इससे ज्यादा नहीं, आजकल बहुत सारे एग्जाम में, मे भी अब पता है नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है, लास्ट टाइम 32 इयर्स था जनरल का। देखो आपका क्या है ना कि इंग्लिश से क्या क्या पूछे जाएंगे वो तरीके, देखो आपका कॉम्प्रिहेंशन है एंटोनियम्स है, कॉम्प्रिहेंसम है एंटोनियम्स है, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एरर डिटेक्शन है, एडम्स एंड फ्रेजेज है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है, इससे आपका क्या है, ये सारे टॉपिक आपका क्या है इंग्लिश के है, इससे आपका इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 से एक एक दे दे, या हो सकता है कि ये पैसेज कॉम्प्रिहेंसम दे दे, इसी से दे सकता है, लेकिन आपका ये एक जरूर रहेगा, ये एक जरूर रहेगा समझे, और ये एक जरूर रहेगा, बाकी ये तीनों से आपका 3 क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा, अगर ये दोनों पर भी ठीक ठाक है तो 2 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, बाकी तुक्का मार के भी चला सकते हो इसमें बिहारियों का कितना अंग्रेजी सही होता है, बिहार बोर्ड वाला को तो भगवान ही जानता है, क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड से रहा हूँ, हमारी कितनी अंग्रेजी सही होती हो तो मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि हमारे इंग्लिश की वजह से ही DMRC में रिजल्ट नहीं हुआ था मनीष कुमार कौन है भाई मनीष,
तो ये आपका इंग्लिश वाला है भाई, देख लो समझे। ये तो इंग्लिश के ये सारे टॉपिक है, एक बार नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर होता है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपर भी पूरा ध्यान है इसी वाले उनका उनका ऊपर भी पूरा ध्यान है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए भी बहुत जल्द बैच लॉन्च होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। अब डिप्लोमा एकेडमी पटना जो है फुल्ली का फुल्ली सेमेस्टर से धीरे धीरे जेई में स्विच कर रहा है कोचिंग, पूरा कंप्लीटली जेई की ओर, क्योंकि हमारा टारगेट है 2027 तक 1,000 बच्चों को जेई बनाना। इस कोचिंग का अब लक्ष्य हो गया है 2027 तक 1,000 बच्चों को जेई बनाना। इसलिए और फी ज्यादा नहीं रहेगा, फी एकदम बहुत बहुत, चूंकि आप अभी तीन टीचर है, दो टीचर और हम खोज रहे हैं तो पांच टीचर है, तो चूंकि वो सब टीचर जो है कि अगर हमें पूरा पढ़ाना रहता तो हम बहुत मिनिमल फी में पढ़ाते, लेकिन वो सब टीचर हैं तो वो सब तो पैसे के डिमांड करते हैं, लेकिन फिर भी आपका फी इतना रहेगा, अफोर्डेबल फी रहेगा, मतलब इजिली आप अफोर्ड कर पाइएगा। 2027 तक 1,000 बच्चों को जेई बनाना है, 2027 हमारी टारगेट है, 2027 तक, 2027 तक। अभी तक हमारे कोचिंग से करीब करीब जो भी बच्चे पास किए हैं लगभग 200 बच्चे आसपास जेई बन चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, 200 बच्चे। सोच सकते हैं कितना हाई रेट, कितना बड़ा एवरेज है, मतलब अभी 5 साल हुआ है, 17 में पहला बैच पास किया, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 वाला तो अभी किसी का नौकरी उकरी लगा नहीं है, तो मोटा मोटी 4 बैच में सोच लो मतलब मोर देन 45 का एवरेज है पर ईयर। अरे क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है ना, मेहनत करोगे आराम से स्कोर कर लोगे 80+। मेहनत करो, अच्छा ढंग से करना पड़ेगा, ये नहीं कि मच्छर मारने वाला पढ़ाई, किताब देख रहे हो मच्छर मार रहे हैं, वो साला पढ़ाई करेगा तो 55 नंबर मुश्किल है। ढंग से मेहनत करेगा, 4 घंटा 5 घंटा टेबल पर बैठना सीख गया है मतलब नंबर ले आएगा तू। हाँ, डिप्लोमा के नंबर में आधार नंबर गलत हो गया, कैसे सुधारा जा सकता है? आप बोर्ड जाइए ना, यहाँ तो हम सुधारने, आप बोर्ड जाइए, टेक SBT जाइए, वहां से हो सकता है, कहीं नहीं होगा, यही सब काम के लिए वो बैठे ले है। तू तीसरे सेमेस्टर में जेई बनना चाहता है? अरे बेहुदा अभी कहेगा कि अभी डिप्लोमा का फॉर्मो नहीं भरे एंट्रेंस का, जेई बनना चाहते, पहले करो ना, ये जे पास आउट के लिए कि तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर के लिए है? अरे भाई ये कौन लॉजिकल बात है, अभी तू तीसरा सेम में है, ये है अभी तुमको पास करने में 2 साल है। अब हिंदी के बात आ जाओ भाई, हिंदी के बात हम आ जाते हैं, देखो इधर पहले हिंदी में देखिए, इधर पहले है आपका क्या है, व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, शब्दकोश से आपका रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, खाली स्थान भरने उरने के लिए रहेगा, आपका क्या रहेगा शुद्धि अशुद्धि से रहेगा, एरर डिटेक्टर है, एंटोनियम से रहेगा माने विलोम शब्द रहेगा, सेनोनियम से रहेगा मतलब आपका पर्यायवाची शब्द, ये सब रहेगा। तो वही है आपका ग्रामर दिया हुआ है, वोकेबुलरी दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, एरर डिटेक्टर, एंटोनियम्स दिया हुआ है, समझे, एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द, आपका सेनोनियम्स का मतलब आपका पर्यायवाची शब्द, ये सबसे आपका रहेगा। तो ये आपका जनरल हिंदी है, इससे भी 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हाँ, कट ऑफ अगर धांधली ना हो तो बउआ, तो अगर धांधली नहीं हुआ तो ये जान लीजिए जनरल कट ऑफ जो जाएगा, जनरल 74+, OBC 73+, देख लो इधर पहले EBC 70+,
यस। बाकी गर्ल्स का कट ऑफ में ये मैं बॉयज के लिए बता रहा हूं, ये सारा बॉयज के लिए है। अगर धांधली नहीं हुआ तो 100 क्वेश्चन में इतना जाएगा। एसी रख लो, एसी 62 प्लस, एसटी 58 प्लस, ये सारा बॉयज कट ऑफ है। गर्ल्स का अगर मानना है तो सब में आपका घटा दो 10-10 नंबर गर्ल्स का। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें ना, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 500 प्लस, ये जो सीट आएगा ना 500 प्लस सीट आएगा, वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा महीने भर के अंदर या डेढ़ महीने के अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना सीट आने वाला है। देख लो इधर पहले, लेकिन मैं बता रहा हूं 2013 का 2016 का हम एनालिसिस करके बता रहा हूं, क्योंकि 2019 वाला वैकेंसी में पूरा का पूरा धांधली हुआ था 18 वाला वैकेंसी में, यही 13 और 16 का वैकेंसी जो है उसके अनुसार मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं कि कट ऑफ इतना रहने वाला है। अगर एकदम फ्रेश एग्जाम होगा तब, इसलिए कट ऑफ यहाँ कम है, 80 प्लस इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 50-50 है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर बड़ा मार्जिन करता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर ज्यादा किसी का 10-12 से ज्यादा सही होता नहीं है। बहुत ज्यादा जो लड़का एकदम पूरा उसमें डूबा हुआ है 17-18 सही करके आएगा, इसलिए कट ऑफ यहाँ इतना रहने वाला है, इससे ज्यादा रहने। करंट अफेयर्स भी पूछेगा और चूंकि इसमें मैनेजमेंट वगैरह से भी क्वेश्चन डाल देता है तो कट ऑफ ज्यादा रहने वाला नहीं है। चूंकि अगर टेक्निकल पेपर रहता, अगर टेक्निकल 80 क्वेश्चन रहता, नॉन टेक 20 रहता, तो गारंटी है कि कट ऑफ आपका 80 प्लस जाता। लेकिन ये कट ऑफ एकदम याख मून लीजिए कि जो इतना प्लस नंबर ले आएंगे जनरल वाले या ओबीसी वाले वो सेफ जोन में, उनका रिजल्ट 100% होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है रूपा कुमारी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है बाबू। रंजीत रंजीत कुमार, मतलब वैकेंसी यू कह ले कि आपका में भी आपको होली खेलने से पहले ही आपका वैकेंसी आ जाए। चलो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देखो इधर पहले, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में देख लो क्या क्या टॉपिक है, आप देख लो इधर पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इसमें क्या क्या पूछेगा, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। ये आपका कंप्यूटर और भी कंप्यूटर का भी है, ये आपका कंप्यूटर का है, सीपीयू मेमोरी हार्ड डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। देखो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आएगा, डिजिटल के लिए भी डिजिटल पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आपको कवर हो जाएगा डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एमएस वर्ड, ये सबसे क्वेश्चन आपका रहेगा देखने को। और देखो अभी बड़ा है भाई ये तो, इसीलिए ना कहते हैं इससे 20 क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। देखो एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट वेब ब्राउजर ईमेल सर्च इंजन वेब सर्विसेस वेब सर्वर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क LAN, WAN, modem, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये सबसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लो इधर पहले MS Excel है MS PowerPoint है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट में आपका वेब ब्राउजर ईमेल सर्च इंजन वेब सर्वर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आपका LAN आ जाएगा। LAN है लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क modem, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। आप
देखो इसका सिलेबस है ना, आप नोट डाउन भी कर सकते हो क्या क्या, और इसके अनुसार तैयारी करो। हाँ और भी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्यूटर अभी थोड़ा बड़ा है, वायरस मालवेयर एंड वार्म ये सब से रहेगा, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट देखो इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल ये सब से आपका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। वायरस मालवेयर आपका वार्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, आपका फायरवॉल, ये सबसे आपका क्वेश्चन रहेगा। देखो कंप्यूटर के लिए मैं एक बुक बता दूं, मैं जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम दिया था तो उसमें भी कंप्यूटर 30 क्वेश्चन कंप्यूटर था, 30 क्वेश्चन पूछा गया था, मैं 2014 में एग्जाम दिया था। एरिहंत का एक बुक आता है, मैंने उसी किताब से पढ़ा था, मेरा अच्छा खासा सही हुआ था उससे, बहुत क्वेश्चन उससे मैच भी कर गया था। तो एरिहंत का एक आता है, इतनी इतनी मोटी किताब आता है, आप जाकर के उसको खरीद सकते हैं मार्केट से, हमने उसी से पढ़ा था, और पढ़ा इतना इतना काम किया बुक कि मेरिट लिस्ट में हम टॉपर थे, मतलब एकदम मेरिट लिस्ट में टॉपर, तो समझ ही गए होंगे कि फाइनल रिजल्ट होगा। तो काफी अच्छा किताब था, उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग को कंप्यूटर, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। चलो टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस, देखो टेक्निकल पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। अब आपका टेक्निकल पेपर आ गया है, देखो अब टेक्निकल पेपर में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये तो सब कोई जानता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ड्राइंग से भी पूछा जाएगा, सॉरी कंप्यूटर ड्राइंग बोल रहे, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से भी क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स टू, इलेक्ट्रिकल मशीन टू, इलेक्ट्रिकल मशीन वन है, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ये सब आपका इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है। इतनी इतना सिंपल टॉपिक नहीं है, ये सब थोड़ा सा हार्ड है, ड्राइंग, ये कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ये सबसे भी क्वेश्चन रहेगा। देख लो इधर पहले, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वन है, इलेक्ट्रॉनिक्स टू है, मतलब इसमें सिंपल आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर वगैरह होगा, ये पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरा एनालॉग। हाँ कोर्स देखो, कोर्स बीएसपीसीएल जेई का जो कोर्स है डिप्लोमा एकेडमी पटना का, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी सिर्फ आप लोगों को बताया जा रहा है, कोर्स लॉन्च हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि हम बच्चे सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे पैसे भेज दिए हैं, उनका एक लिस्ट तैयार करके सारे को ऐड ऐप में हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम ऐप में भी आपको लॉन्च कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 20 से पहले आपका कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा, अभी कोर्स नहीं दिखेगा आपको ऐप पर, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं, पहले ही एडमिशन ले रहे हैं, तो सारे उसी के अनुसार ना कितने बच्चे आएंगे तब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, अभी एको बच्चा रहे नहीं कोर्स स्टार्ट कर देंगे ऐसे दिक्कत होता है। तो 20 से पहले आपको कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है भाई, हम अकबक वाला काम नहीं करते हैं, हम बहुत अच्छा जो भी काम करते हैं परफेक्टली करते हैं, पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी से काम करते हैं, इन्हें भी अकबक में हम पैसा लेने के चक्कर में हम कुछ हो कर दें जल्दी जल्दी, वैसा नहीं होता है, हम सोच समझ के करते हैं, आपके बेहतरी के लिए काम करेंगे, सब कुछ सोच करके, तो जो भी काम करेंगे परफेक्टली करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे, हम सारे टीचर का अरेंजमेंट कर लेंगे, सारा बातचीत करेंगे, तो 20 पहले कोर्स लॉन्च होगा, और सबका टाइम शेड्यूल सेट कर लेंगे, कौन टीचर कितने बजे पढ़ाएंगे, टेस्ट का टाइमिंग कब होगा, जो डेली टेस्ट डालेंगे, सारा का एक शेड्यूल ऐसे थोड़े होता है। देखो शहनवाज आलम, आप मैं बता रहा हूं आपको,
कि आप सिर्फ सिलेबस जो है ना इसी के अनुसार किताब में टॉपिक खोज करके पढ़ो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से नौकरी नहीं लगेगा, आपको किताब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा तभी आप जाकर के, इसका टेक्निकल वो आसान नहीं रहता है, हार्ड रहता है इसका टेक्निकल जो भी है बीएसपीसीएल का, वो इतना भी आसान नहीं है कि हम बहुत बना देंगे इजिली, टफ रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। नहीं अभी फिलहाल ऑनलाइन बैच चलेगा, अभी इसका ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। ये बैच आपका जब वैकेंसी कंप्लीटली आ जाएगा तब हम ऑनलाइन वाले बच्चे को जो सक्षम है पढ़ाने के लिए उनको हम पर्सनल कोचिंग में बुला करके 5-5, 6-6 घंटा वो तैयारी करेंगे सिर्फ बीएसपीसीएल एग्जाम तक। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय हम जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे ऑनलाइन में उनको पटना स्पेशली बुलाएंगे कि आप पटना आ जाइए, एक महीना उनको प्रैक्टिस करवाया जाएगा कोचिंग में ही, वो अपना रूम ले लेंगे बाकी कोचिंग में आकर के वो प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक, एक महीना उनको प्रैक्टिस हम कोचिंग में करवाएंगे पूरा डेली 300-400 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस हम आपके यहाँ करेंगे। अभी नहीं, अभी तो ऑनलाइन मोड में ही चलेगा, लेकिन वो ऑफलाइन जब आएगा तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो ऑनलाइन का चार्ज है वही चार्ज रहेगा, लेकिन उन लोगों को स्पेशली एक महीना के लिए हम पटना बुलाएंगे और तैयारी करवाएंगे उनको स्पेशली कोचिंग में, उनको यही प्रैक्टिस करवाया जाएगा पूरा, क्योंकि हम चाहेंगे कि बीएसपीसीएल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन हो, और जो मेरा ऑलरेडी बैच जेई बैच चल रहा है वो तो रहेंगे ही। अब टेक्निकल पेपर में और भी है आपका, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, देख लो इधर पहले, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में आपका बेसिकली मैक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे, मैक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल, यूटिलाइजेशन ड्राइव एंड कंट्रोल, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनेजमेंट, देख लो इधर पहले, फिर है बेसिक मैनेजमेंट स्किल एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका क्या है, देखो ये हालांकि उसमें डाल देना चाहिए जनरल नॉलेज में डाल देना चाहिए, लेकिन इसी में डाल दिया टेक्निकल पेपर में, बेसिक मैनेजमेंट स्किल एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये है टेक्निकल पेपर का जानकारी। तो जो बच्चे, देखो एक बात मैं बता दे रहा हूं, पेरेंट्स का बहुत बड़ा उम्मीद होता है, बहुत बड़ा विश्वास होता है कि जब आप पटना पढ़ने के लिए निकले होंगे ना तो माँ के में या पिताजी के जहन में रहता है कि हमारा बेटा खाली हाथ मत लौटे पटना से, या अपने जिला मुख्यालय जब पढ़ने जाता है लड़का या लड़की तो माँ पिताजी भी सोचते हैं कि मेरा बेटा घर से जा रहा है, हमसे दूर रहने जा रहा है, बस उनके मन में उनके जहन में एक ही बातें चलती है कि वो जब भी घर लौटे, जब भी खाली करके अपने जिला मुख्यालय से या पटना खाली करके लौटे तो खाली हाथ नहीं लौटे। अगर किन्हीं को सही गिफ्ट देना है मेरे दोस्त, अपने पैरों पर खड़ा हो करके अपने पिताजी के हाथों में, अपनी माँ के आंचल में अपने जॉब का पहला सैलरी दो, सच्चा गिफ्ट देना है तो, नहीं तो मदर्स डे और फादर्स डे पर फूल और गुलदस्ता दे देने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पर फादर्स डे और मदर्स डे पर 4 लाइन लिख देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सच्चा गिफ्ट वही होगा जब तुम अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने पिताजी को माँ को बता दोगे, देखिए आज आपका बेटा आपका बेटी एक इंजीनियर बन गया, यही सच्चा गिफ्ट होता है। पटना आकर के बहुत सारे बच्चे, लड़का हो या लड़की, वो ऐसे ट्रैक पर चले जाते हैं जहां सिर्फ सिर्फ बर्बादी लिखा होता है, इसलिए कहते हैं आप अपने पेरेंट्स का कुछ नहीं बिगाड़िएगा, इस सब कुछ आपका चौपट होगा, अभी तो आपको काफी मजा आएगा, लेकिन जब
25-26 के हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो गलतियां की है वो माफ करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारा है, बल्कि हमने पैर कुल्हाड़ी पर मारा है। हमने कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारा है, बल्कि हमने पैर कुल्हाड़ी पर मारा है, ये आपको एहसास होगा। इसलिए आज से कमिटमेंट कर लो, अरे जब जागो तब सवेरा, अभी आपकी नींद खुली है, अभी आंख खुला है, अभी आप जागे हो, अभी आपको समझ में आया है, अभी से पढ़ना चालू करो, कुछ नहीं बिगड़ा है, 6 महीना में तुम सफल हो जाओगे। सिर्फ कमिटमेंट कर लो, दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत बना दो, अपने विल पावर को स्ट्रांग कर लो, कोई बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है नौकरी लेने से। हाँ, आईटीआई के लिए ही पहले वैकेंसी आएगा, आईटीआई के लिए ही आएगा पहले, लाइनमैन और एसबीओ का वैकेंसी आएगा। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सब हाथ उठा करके अभी कमिटमेंट करो हमारे साथ, तुम लोग आज से पढ़ना चालू करोगे या नहीं, कमिटमेंट करो, मैसेज करो। कोई जरूरी नहीं कि हम एडमिशन लेंगे तभी करेंगे, कोई जरूरी ऐसा नहीं है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, तुम्हें सफल होना होगा, क्योंकि आप सफल हो समाज सशक्त होगा, गरीब परिवार का बेटा बेटी ऊपर आएगा, गरीब मीडियम परिवार ऊपर आएगा, आगे बढ़ेगा, हमारा समाज में ऊंच नीच का खाई खत्म होगा, अमीर गरीब का खाई खत्म होगा, सिर्फ आपके नौकरी से, सिर्फ आपके मेहनत से। मैसेज करो, बस 5 लोग मैसेज किया है, बाकी सब वही है। अरे करो करो, चलो। और एक जिनको बैच ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे करके पेमेंट भेज सकते हैं। 20 तारीख तक आपको कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा डिप्लोमा एकेडमी पटना के ऐप में, प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर दीजिएगा। ये गूगल पे और फोन पे नंबर है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा वो पेमेंट कर देंगे, या 20 तारीख के बाद आपका क्या है, 20 तक आपको कोर्स दिखना जब शुरू हो जाएगा तो आप खुद से कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, कैसे कैसे क्लास होगा, कौन सा टीचर कब क्लासेस लेंगे, ये सारा कुछ अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है, अभी हम ऐसे अकबक में कुछ कोर्स नहीं शुरू कर सकते हैं। तो 20 तक ये सारा प्लानिंग चल रहा है जिन बच्चों को, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि हमें नहीं पेमेंट करना, हमको खुद से ऐप में ज्वाइन होनी है, तो आपको 20 तक आपको कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा, आप खुद से ज्वाइन हो सकते हैं, आप अपने से कोर्स परचेज कर सकते हैं। हाँ, देखो 8000 फी था, लेकिन ये 50% ऑफ है, ये आपको कितना में आ रहा है, 4000 में। देखो भाई मेहनत है, आपको हम जो तैयारी करवाएंगे, हम ऑफलाइन 1 महीना बुला करके तैयारी करवाएंगे आपको, आपके पास समय देंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आकाश श्रीवास्तव बताइए कैसे हैं, आकाश श्रीवास्तव चंदन वैकेंसी, बस वेट एंड वॉच,
2023 से 24 नहीं होगी, बहुत जल्दी वैकेंसी आएगा। मतलब उम्मीद है कि आपको साल के लास्ट होते होते आपका रिश्ता तय हो जाएगा 15-20 लाख में। इतना वैकेंसी इतना जल्दी आने वाला है ना कि मंथ, ये जो ईयर है ना, इसका लास्ट होते होते आपके रिश्ते कहीं ना कहीं तय हो जाएंगे। अगर नौकरी लग गया तो नहीं तो इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। कंप्यूटर बुक अभी ना बताया ना जी, अभी ना कंप्यूटर में बताया, रिहंत का किताब खरीद लो। आकाश आप लेट से ज्वाइन किए हैं, पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा, बाबू सोना करना बंद कर दीजिए और अपने घर की दीवारों पर, अपने रूम के दीवारों पर, इवन बाथरूम के दीवार पर भी लिख दीजिए जे, और मन में गुनगुनाओ और फील करो, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। समझे? बाकी तू समझ रहा है? चलो बहुत देर हो गया, अब हमको भूख भी लग गया है, ठंडा भी है, दूर भी जाना है, तो अब यहाँ से हम लोग अब विदा होते हैं। फिर से अब कल से PGCIL का लाइव सीरीज चलना शुरू हो जाएगा, 15 क्वेश्चन जो डिस्कस होता है कल से, कल से यूजुअली डिस्कस होना शुरू होगा। कल से आप लोग सभी लोग जुड़िए और PGCIL का तैयारी कीजिए हमारे साथ। पर डे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगा, क्वेश्चन कंटेंट भी मिलेगा, अच्छे खासे नॉलेज भी मिलेंगे, तो आप सब कुछ मिलेगा। आप ज्वाइन कीजिए 8:40 में पर डे हमारे साथ डिप्लोमा एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी जानकारी अगर चाहे तो वो भी ले सकता है। हाँ, और एक चीज और मैं बता दूं, जल्द ही ITI वालों के लिए भी कंपटीशन बैच शुरू होगा। ITI वालों के लिए, जो बच्चे आपके भाई दोस्त आस पड़ोस के लोग ITI किए हुए इलेक्ट्रिशियन से, उनके लिए भी, क्योंकि डिप्लोमा एकेडमी पटना अब पूर्ण रूप से JEE की ओर मूव कर चुकी है। पूर्ण रूप से हम लोग JEE की ओर, क्योंकि जो टारगेट लेकर के चले हैं 2027 तक 1000 बच्चों को JEE बनाना है, उस लक्ष्य को तो पूरा करना होगा। अरे भाई बता रखे हैं कितना नंबर लाना पड़ेगा, कट ऑफ, पूरा वीडियो बाद में देखिएगा, आपको सारा कुछ दिख जाएगा। चलिए भाई भाई, बहुत देर हो गया, आप लोग मेहनत करो जाकर के, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर। बाय बाय।